वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल टेक निकल गाइस। तो गाइस आज की वीडियो में बात करेंगे वीवो के Y75 फोन में कंट्रोल सेंटर गाइस कैसे चेंज करें। गाइस अगर आप भी अपने फोन में कंट्रोल सेंटर को चेंज करना चाहते हो और चेंज नहीं कर पाते हो, मैं आपको बिल्कुल सेटिंग करके बताएंगे। आप यहाँ से सेटिंग के जरिए अपने फोन में कंट्रोल सेंटर गाइस बिल्कुल चेंज कर सकते हो। मैं यहाँ से आपको चेंज करके भी दिखाएंगे। आप यहाँ से काफी अमेजिंग काफी कूल कंट्रोल सेंटर अपने फोन में लगा सकते हो, क्योंकि देखने में काफी कूल काफी अच्छा काफी इंटरेस्टिंग लगेगा गाइस। तो वीडियो को स्किप ना करना, एंड गाइस अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और गाइस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो गाइस हम चलते हैं कंटिन्यू वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहां देखिए आपको साइड में हमारा फोन मिल जाएगा और आपको देखिए कंट्रोल सेंटर को चेंज करने के लिए सबसे पहले आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। एप्लीकेशन प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है, यहां पे सर्च बार में जाना है, आपको सर्च क्या करना है मी कंट्रोल सेंटर MI कंट्रोल सेंटर। तो आप जब यहाँ पे गाइस सर्च करेंगे आपको ऐसा एक एप्लीकेशन देखने को मिल जाएगा और एप्लीकेशन की रेटिंग काफी अच्छे इसको यूज करने में 10 मिलियन प्लस लोग हैं। तो हम देखिए यहाँ पे एप्लीकेशन को ओपन करते हैं। एप्लीकेशन को गाइस हम ओपन किया और कुछ अभी आपको यहाँ पे ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा और यहाँ पे कुछ आपको परमिशन देना पड़ेगा। यहाँ आपको मिलेगा ऑटेरी लिमिटेड वर्जन, यहाँ गाइस क्लिक करना है। यहाँ पर जब गाइस क्लिक करेंगे आपको तीन ऑप्शन देखने को मिलेगा, डुबल सिम एक्सेसिबिलिटी और यहाँ पे आपको पहले ऐड आएगा, ऐड को आपको थोड़ा सा वॉच करके यहाँ से बैक करना है। डुबल सिम एक्सेसिबिलिटी नोटिफिकेशंस, यहाँ पर डुबल सिम पे गाइस क्लिक करना आपको अलाउ करना है। एक्सेसिबिलिटी है, यहाँ पर गाइस क्लिक करना आपको एक्सेसिबिलिटी पे और यहाँ पे क्लिक करने मतलब आपको अभी यहाँ पे मिलेगा MI कंट्रोल सेंटर, यहाँ पे गाइस क्लिक करके आपको इसको ऑन कर लेना है। इसको ऑन करेंगे और ऑटोमेटिक आपके फोन में फिर से यहाँ पे एक और ऑप्शन आएगा नोटिफिकेशन का लास्ट वाला, यहाँ पर गाइस क्लिक करना आपको और यहाँ पे क्लिक करने मतलब आपको MI कंट्रोल सेंटर जो एप्लीकेशन है गाइस इसको यहां पे परमिशन देके अलाउ कर देना है। ठीक है, अलाउ कर दिए और यहां पे और आपको कोई भी परमिशन देके अलाउ नहीं करना। अब देखिए यहां पे ओके का ऑप्शन है, यहां पे ओके करना, यहां पर ओके करना। ठीक है, और यहां देखिए गाइस हमारा कंट्रोल सेंटर बिल्कुल चेंज हो गया है। तो देखिए देखने में काफी अमेजिंग काफी कूल लग रहा है, तो बिल्कुल चेंज हो चुका है। और भी यहाँ पे आपको सेटिंग मिलेगा और यहाँ पे लेयर आउट मिलेगा, कलर मिलेगा, डाटा यूसेज मिलेगा, जो भी आप यहाँ पे सेटिंग करना चाहते हो यहाँ से गाइस कर सकते हो। और अगर आप और भी एप्लीकेशन आपको यहाँ पे ऐड करना या फिर आपको यहाँ से एप्लीकेशन को हटाना भी है, यहाँ पे जैसे चार चार एप्लीकेशन है तो गाइस आप यहां से हटा सकते हो। तो आप यहां से बिल्कुल शॉटिंग करके अपने वीवो के Y75 फोन में कंट्रोल सेंटर को गाइस यहां से चेंज करके यहां से यूज कर सकते हैं। आई होप तो गाइस अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और गाइस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो गाइस मिलते हैं फिर एक ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।